इन दो वीडियो में एक वीडियो डांस कर रहा है। हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ और मैं कैसे ब्लॉग बनाता हूँ, ब्लॉग बनाने के समय मैं कौन सा सेल्फी स्टिक या गिम्बल यूज़ करता हूँ, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल है उसको भी ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए देर न करते हुए मैं आगे का वीडियो बनाता हूँ। और पिछले 1.5-2 महीने से जो भी वीडियो आ रहे हैं वो मेरे गिम्बल से शूट करे हुए आ रहे हैं। इससे पहले मैं सेल्फी स्टिक से या हाथ से ही शूट करता था। तो मैं कौन सा गिम्बल यूज़ करता हूँ और हाथ का शूट करा हुआ वीडियो कौन सा है और कैसा होता है और गिम्बल का शूट किया हुआ वीडियो कैसा होता है, वो दोनों आपको अलग अलग बताऊँगा मैं। मैं वीडियो बनाने के बाद जो भी वॉइस ओवर करता हूँ, जो अपना वॉइस डालता हूँ, वो कौन सा माइक है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये माइक है जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो माइक है बोया का BY-M1। ये माइक यूज़ करता हूँ मैं। और मेरे पास कोई DSLR कैमरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल है, Redmi Note 8 Pro, जिसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी Redmi Note 8 Pro है, उससे शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। और मैं ट्राईपोड कौन सा यूज करता हूँ, जिसके ऊपर अभी मोबाइल रखा हुआ है मेरा, वो ट्राईपोड रॉयल फोर्ड का है। वो ये देखिए, ये पीछे देख सकते हैं फोटो में, ये ट्राईपोड का फोटो है। क्योंकि मैं वो ट्राईपोड नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मोबाइल ट्राईपोड के ऊपर ही है, तो आपको मैं फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए पीछे ये फोटो है, ये ट्राईपोड का ही, ये वाला रॉयल फोर्ड का मैं ट्राईपोड यूज करता हूँ। और वीडियो शूट करने के लिए मेरे पास कोई अपना स्टूडियो नहीं है, मैं अपने बेड के ऊपर, अपने पलंग के ऊपर बैठ के शूट करता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं अपने बेड पर बैठा हूँ, तो अपने बेड पर मैं शूट करता हूँ अपने वीडियो को। पीछे जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, जो दीवार है, जो वॉल है वो वाइट है, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा जैसे पर्दा लगाया। पर्दा नहीं लगाया, ये सिंपल वो वाइट कलर का दीवार है, वॉल है। अभी आपको मैं छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो क्लिप को देखकर आप खुद ही समझ लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा कि हाथ का बनाया वीडियो कैसा होता है और गिम्बल का बनाया वीडियो कैसा होता है, दोनों में अंतर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वीडियो, एक ही जगह पे एक ही समय पे बनाया गया वीडियो है, एक ही मोबाइल से। फर्क इतना है, लेफ्ट साइड वाला वीडियो गिम्बल से बनाया गया है, राइट साइड वाला वीडियो हाथ से बनाया गया है। जो हाथ से बनाया गया वीडियो है वो कितना शेक हो रहा है, कितना हिल रहा है। जो गिम्बल से बनाया गया वाला वीडियो एकदम स्टेबिलिटी है उसमें, एकदम निरंतरता है उसमें। तो क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हैं। राइट हैंड वाला हाथ से बनाया गया वीडियो है, लेफ्ट हैंड वाला गिम्बल से बनाया वाला वीडियो है, दोनों में अंतर देखिए। गिम्बल से बनाया वाला वीडियो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, हाथ से बनाया वाला नॉर्मल है। तो आप लोगों को ये गाना कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको बटन को दबा के भी यहाँ सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।